कोरोना को लेकर जिस तरह से लॉकडाउन की समय अवधि बढ़ा दी गई है सिर्फ इसलिए ताकि लोग सुरक्षित रहें, जिंदगियां बचाई जा सके, लेकिन इस दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सुनने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं और बेवजह सड़कों पर निकल पड़ते हैं बिना किसी वजह के। जी हाँ, और ये जब बिना वजह निकल रहे हैं तो प्रशासन कैसे उन्हें सबक सिखा रहे, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं धनबाद से। देखिए और समझिए कि कैसे जब प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो लोगों को मेंढक तक बनना पड़ा। जी हाँ, ये कहा गया है पुलिस जवानों को जो तैनात है ड्यूटी पर, पुलिसकर्मी, उन्हें कहा गया है कि सख्ती से पेश ना आए, लेकिन अगर सख्ती नहीं बरतनी है तो देखिए इस तरह से सबक सिखाया जा रहा है उनको जो सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं। और इस वक्त हमारे साथ सीधे धनबाद से जुड़े हुए हैं अभिषेक, उनके पास चलते हैं। अभिषेक, देखिए ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, ये बता रही हैं कि अगर आपके लिए ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है, अगर आपको ये समझाया गया है कि ये लॉकडाउन क्यों है और किस लिए है तो आपको समझना पड़ेगा। ये वक्त वो नहीं कि आप सैर सपाटे के लिए बेवजह सड़कों पर निकल पड़े। जी बिल्कुल सही कहा आरती, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ रणधीरपुरा चौक पर, देखिए कुछ लोग जो हैं अभी भी बेवजह जो सड़कों पर निकल रहे थे उन सभी के खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई हो रही है और इन सबको पनिशमेंट दिया गया है। देखिए कुछ लोग जो हैं इन्हें अभी धनबाद पुलिस ने, कुछ लोग जो बेवजह सड़कों पर निकले हुए थे उन्हें रोक के रखा गया था और पहले ही बताया कि किसी को मुर्गा बनाने की सजा मिली है तो किसी को उठक बैठक की सजा मिली है। और आज जो है कुछ सजा में थोड़ा सा खास देखने को मिला है, मतलब आज धनबाद पुलिस ने मेढक बनकर जो है, मेढक बनवाकर जो है लोगों को यहाँ पे चलवाया है। तो ये सजा जो भी हो, तरीका जो भी हो, मकसद सिर्फ यही है कि ये ऐसे लोगों को सजा मिले और वो ऐसी गलती नहीं करे। देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, देखिए सामने सीधी तस्वीर है, महिला पुलिसकर्मी है और इन लोगों को वैसे ही मेढक बनाकर सजा दी जा रही है। ये वो लोग हैं जो बेवजह सड़क पर निकले हैं। देखिए दोपहर का समय है, इस वक्त में सब्जी खरीदने को नहीं निकलता है, इनकी खूबसूरत बहाना देखिए कि ये कह रहे हैं कि सब्जी खरीदने निकले हैं। तो ऐसे लोगों को सजा दिया जा रहा है और ये जरूरी है क्योंकि फिर से ये ऐसी गलती नहीं करे और इन्हें सजा जो है पुलिस वाले इसलिए नहीं दे रहे। सबसे बड़ी बात ये है कि ये शुक्रगुजार होना चाहिए धनबाद वासियों को कि अब तक वहां पर कोई पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया है, लेकिन इसके बावजूद लोग समझ नहीं रहे हैं क्यों, क्या जरूरत पड़ी, जरा पूछिए उनसे। की 3 तारीख से फिर से 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा जिसके कारण हमारे कंपनी पेमेंट किया गया था तो सर हम लोग राशन पानी खत्म हो चुका था और प्रशासन द्वारा भी वैसे भी वहाँ कोई हेल्प नहीं मिला वहाँ पे। आप क्यों निकले थे सर? पैसा उठाने निकले थे सर। अच्छा, अपने नहीं निकलिएगा? हम नहीं निकले। चलिए देखिए ये अपनी गलती मान रहे हैं कि अब दोबारा बाहर नहीं निकलेंगे। जी जी, ये अपनी गलती मान रहे हैं और देखिए पुलिस वाले भी समझा रहे हैं। जी कितने लोग आज, तो आप लोगों ने थोड़ा अलग हट के सजा दिया है? जी बिल्कुल, थोड़ा अलग हट कर दिया और बहुत लोगों का चलान भी किया गया है। आप देख सकते हैं वहाँ से बोल रहे हैं कि पैसा लेने आए, ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे देख सकते हैं आप, दिखा सकते हैं वहाँ पे। अच्छा। ये फूल पत्ते के लिए आए हुए हैं। अच्छा। जो चीज़ कंपलसरी नहीं है उसके लिए आने लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। एक हाँ, यहाँ पे दवा के लिए, आप राशन के लिए या इसेंशियल चीज़ के लिए आप बाहर आइए। यहाँ पे फूल पत्ता लेने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आए हुए हैं और दो दो आदमी आए हुए हैं। ये बात सही कह रहे हैं कि विकास जी का कहना है कि कुछ लोग देखिए झूठ बोल रहे हैं। देखिए अब ये इस वक्त में जरूरी नहीं है, ये पौधा हम बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो है महाशय पौधा लगाने के ख्याल से कह रहे हैं कि ये बाहर निकले हुए हैं, यानी ये एक बहाना है, खूबसूरत बहाना है जिसके माध्यम से ये घर से बाहर निकलकर तफरी करना मुझे चाहते, ऐसा लगता चाहते है कि इन और इसीलिए पुलिस वालों ने कार्रवाई किया। जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त किसी खूबसूरत बहाने की जरूरत नहीं, इस वक्त खूबसूरती इसमें है कि आप घरों में रहिए और अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखिए, क्योंकि इससे खूबसूरत और चीज और कुछ नहीं कि अगर आपकी जिंदगी सुरक्षित रहती है तो सिर्फ आप अपनी जान नहीं बचा रहे बल्कि आप दूसरों की भी जान सुरक्षित रख रहे हैं। क्योंकि ये कहा है, साफ तौर पर कहा गया है कि इस बार जो लॉकडाउन 2 शुरू हुआ है इसमें सख्ती और बढ़ती जाएगी और इसी सख्ती का नतीजा है कि अब सिर्फ मुर्गा बनने से काम नहीं चलेगा, मेढक भी बनना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कहा आरती कि अब जो है सजा जो है वो सख्त बढ़ी है और अब देखना है कि जो लोग कानून को नहीं मान रहे थे, लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं कर रहे थे, अब उन पे क्या असर होता है। लेकिन धनबाद पुलिस अब सख्त हो गई है। देखिए साहब, अब
समझाने बुझाने का वक्त समाप्त हो गया है, अभी तक आप पर डंडा नहीं बरसा रही है, यही बहुत भय। अगर ये कार्रवाई करके भी अगर आप नहीं मानते हैं तो आगे आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, FIR भी होगी। तो एक बात समझ ले, न्यूज 11 भारत भी आम लोगों से यही अपील कर रहा है कि अगर आवश्यक सेवा से जुड़े हुए नहीं है तो फिर घर से बाहर मत निकलिए। ये दोपहर का वक्त सब्जी खरीदने का नहीं हो सकता, तो ये झूठ बोलकर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और ये धोखा चलने वाले नहीं है। धनबाद पुलिस अच्छी तरह से समझ रही है। जी बिल्कुल समझ रही है। और देखिए, ये सवाल मैंने उस वक्त भी किया था कि धनबाद के लिए ये बहुत राहत की बात है अभिषेक, कि अब तक वहां पर कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज डिटेक्ट नहीं हुआ है और इस चीज को वहां के लोग और मेंटेन भी कर सकते हैं कि वहां कोई ना निकले ऐसा पॉजिटिव मरीज, सिर्फ और सिर्फ इस तरह से कि वो अपने आप को घरों में कैद करें, क्योंकि यही एक जरिया है जिससे आप इस संक्रमण से बच सकते हैं। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आपके वैक्सीन मिल रहा है या फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स इतने सुलभ हैं कि आप जाकर उस इक्विपमेंट के जरिए आप खुद को बचा लेंगे। तो अगर ये कहा जा रहा है कि आप घरों में रहें तो बेशक घरों में रहिए, क्योंकि कई जिले अब रोज इसकी चपेट में आ रहे हैं। देखिए, सिमडेगा जुड़ गया, कोडरमा जुड़ गया और अब धनबाद। अगर ऐसा ना हो, इसके लिए आपको समझना होगा, घरों में रुकना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है आरती की, अब लोगों को समझना होगा। और यही बात मैं बार बार कह रहा था, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो है धनबाद पुलिस जो है लगातार जो भी आने जाने वाले हैं उनसे पूछताछ कर रही है। देखिए, महिला पुलिसकर्मी, ये सुबह से ही ये पुलिसकर्मी तैनात है और देर शाम तक तैनात रहती है। सोचिए, इनके भी परिवार है, इनके भी बाल बच्चे हैं और उसके बावजूद भी ये कष्ट उठाकर हमारे आपके जीवन की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। चलिए, और इसीलिए अभिषेक, इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये जो कोरोना वॉरियर्स हैं इनका भी सम्मान करना बेहद ही जरूरी है। जैसे आप खुद के जीवन के बारे में सोच रहे हैं, वैसे ही इन प्रहरियों के बारे में भी सोचिए, क्योंकि इनके लिए अभी सम्मान देना इन्हें और इनको गौरव, इनका गौरव बढ़ाना वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये लगे हैं आपकी जिंदगी बचाने में। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। तो धनबाद से हमने तस्वीरें दिखाई कि किस तरह लोग जब वहां लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं तो अब मुर्गा ही नहीं बनाया जा रहा बल्कि मेंढक भी बनाया जा रहा, और ये सिर्फ इसलिए ताकि आपको सबक मिले कि आपको इस लॉकडाउन में घर में रहना है, बेवजह सड़कों पर निकलने की जरूरत नहीं, क्योंकि खूबसूरती इसमें है कि अगर आप खुद की जिंदगी बचाते हैं तो दूसरों की भी जिंदगी सुरक्षित होती है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए न्यूज 11 भारत के साथ। नमस्कार।